वेलकम टू सौरव सर्स क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। सो सबसे पहले मतलब आपको तो पता है कि उसका मतलब कैसे ट्रांजिशन होता है और कैसे क्या होता है। आज मैं आपको सिर्फ आपका मतलब जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सो आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सा रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप देखो तो सबसे पहले है आपका लापोर्टर सिलेक्शन रूल। सो जो रूल्स है ट्रांजिशंस जो होता है, सो इट फॉलोज डिफरेंट रूल्स। सो एक एक रूल कोई आपका स्पिन को डिफाइन करता है, कोई आपका ऑर्बिटल को डिफाइन करता है, बहुत सारा रूल्स फॉलो होता है। सो जो ऑर्बिटल वाला रूल है वो है आपका लापोर्टे सिलेक्शन रूल। लापोर्टे सिलेक्शन रूल में आपका जो ये लैम्डा वैल्यू का जो चेंज है ये आना चाहिए जीरो और प्लस माइनस वन। सो क्या है, जीरो एंड प्लस माइनस वन। तो ये अगर कोई भी फॉलो करेगा तो आपका आएगा जीरो प्लस माइनस। अब स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन के लिए आपका स्पिन क्या होना चाहिए, स्पिन आना चाहिए आपका डेल्टा एस जीरो। सो आपका स्पिन का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, स्पिन का अगर कोई चेंज होगा तो इट विल बी अ फॉरबिडन ट्रांजिशन। बट अगर आपका स्पिन का कोई चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स इट विल बी अ नॉर्मल ट्रांजिशन, इट विल बी अलाउड ट्रांजिशन। देन देयर कम्स पैरिटी। पैरिटी वी नो व्हाट इज पैरिटी, कि आप अगर जाने से ये ऑर्बिटल आपका जी है, ये है आपका उंजीरा डे जेड़ा डे, इस टाइप का अगर आप वन साइड से दूसरे साइड तक जाओगे तो अगर आपको पॉजिटिव सेम साइन मिलेगा तो वो है आपका जेड़ा डे, और अपोजिट साइड मिलेगा तो आपका उंजीरा डे। सो ये जेड़ा डे उंजीरा डे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी। सो आपका पैरिटी क्या आएगा, पैरिटी देखो पैरिटी का भी सिलेक्शन रूल आता है। पैरिटी अगर सेम मतलब जी टू जी या फिर यू टू यू ट्रांजिशन हो रहा है दैट ट्रांजिशन आर फॉरबिडन। अभी यू टू जी और जी टू यू जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट आर अलाउड, ये एक पैरिटी है। और आपका ये जो समेशन का वैल्यू होता है रिगार्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपका पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव आपका अलाउड नहीं होता है, और आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव वो अलाउड होता है। तो मैंने ये जो लिखा टोटल जस्ट कीप अ लुक ऑन इट एंड ट्राई टू फॉलो इट, बिकॉज आपका जो एग्जामिनेशन आएगा कोई भी आपका गेट हो या सीएसआई या नेट हो उसमें जो एग्जामिनेशन आएगा उसका ये अगर इसका टाइप है ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जस्ट गो फॉर इट, आई विल सजेस्ट दैट remind this rule, just remind it and you can solve any transition, because transitions के ऊपर बहुत सारे application type का भी questions आता है। so वो questions को अगर आप solve करना चाहते हो so please go for this rule। now मैंने आपको कुछ example दिया है कि ये reaction, ये जो transitions है ये आपका allowed transitions है या फिर आपका forbidden transition है। so सबसे पहले देखो आपका ये ट्रांजिशन है, इसमें आप सबसे पहले आपको एक एक ट्रांजिशन, जब भी आप ट्रांजिशन को देखोगे कोई भी ट्रांजिशन आपको अलाउड है कि अलाउड नहीं है ये देखने के लिए आपको ये फोर रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूल्स को देखते हैं, आपका वार्ड में क्या है लापोर्टे सिलेक्शन रूल। लापोर्टे सिलेक्शन रूल में आपको बोला गया है कि आपका जो लैम्डा का चेंज आएगा, लैम्डा का चेंज आएगा आपका जीरो और प्लस माइनस वन। अभी देखो इसमें है आपका डेल्टा और इसमें है समेशन। सो आपका डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो। सो आपका चेंज कितना आ रहा है, माइनस टू चेंज आ रहा है आपका, माइनस टू। माइनस टू चेंज आ रहा है मतलब
ये आपका अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। दो स्पिन अलाउड तो है, लेकिन बिकॉज स्पिन का कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में से इसका केस है आपका 2-2, बट बिकॉज देयर इज रापोर्टेड सिलेक्शन रूल, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका लापोर्टे फॉरबिड है। अभी नेक्स्ट में है आपका ये, इसमें भी डेल्टा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 और ये आपका पाई, पाई मीन्स आपका कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1, सो आपका डेल्टा माइनस 1, सो ये वाला आपका क्या फॉलो कर रहा है, लापोटे भी फॉलो कर रहा है, स्पिन भी फॉलो कर रहा है, सो हम लोग बोल सकते हैं लापोटे एंड स्पिन अलाउड। अभी जो है नेक्स्ट आपका कि इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी देखो ये दोनों के दोनों, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सो आपका ये चेंज 0 आ रहा है, सो लापोटे अलाउड। अभी स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल में स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, सो ये है आपका 0, सो ये 0 आ रहा है। अभी और क्या है, G2G ट्रांजिशन है, G2G ट्रांजिशन आपका फॉरबिडेड हो गया, और आप में ये आपका पेनिटी, ये भी +2- है, सो ये बेसिकली आप फॉरबिडेड ट्रांजिशन, सो ये भी आपका हो गया फॉरबिडेड। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपको मतलब ये तो आपको 0 आ रहा है, ये 1 लापोटे अलाउड। अभी स्पिन देखो, स्पिन इसमें 3 था, इसमें 2 हो गया, मतलब डेल्टा एस का चेंज तो हो रहा है, सो डेल्टा एस का अगर चेंज हो रहा है तो ये आपका स्पिन फॉरबिडन है, और पेरिटी भी फॉरबिडन है G2, सो आपका बोथ स्पिन एंड पेरिटी फॉरबिडन। जस्ट चेक वन थिंग कि इधर आपका जो 4 पॉसिबिलिटीज है ना, ये जस्ट आप याद रखो, तो आपका कोई भी ट्रांजिशन आएगा, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्पेसिफिकली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आप इजीली इन लोगों को सॉल्व कर सकते, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।